तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो IEC गतिविधियां होना है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 अंतर्गत, तो उसके संबंध में ही चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद में आपको बाद में डिटेल में भी और बताते रहूँगा। आज हम मेन आदेश देखने जा रहे हैं जो आज ही के दिन दिनांक 3/9/2021 को ही निकला है, 3 सितंबर 2021 को ही ये पूरा मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद से निकला है। दोस्तों, तो इसमें प्रति कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जिला समस्त मध्य प्रदेश। इसका विषय यही है दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 अंतर्गत IEC गतिविधि बाबत। IEC गतिविधि भी क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। संदर्भ लिखा हुआ है इसमें दोस्तों कार्यालय पत्र क्रमांक 798 दिनांक 14/6/2021। संदर्भित पत्र के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का संलग्नक प्रेषित किया गया था। ठीक है, संयुक्त सचिव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 18 अगस्त 2021 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों एवं उनकी अवधि में संशोधन किया जाकर संशोधित कैलेंडर प्रेषित किया गया है। मैं इस कैलेंडर के बारे में दोस्तों आपको कल वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा किस दिन क्या करना है। संशोधित कैलेंडर में 28 जुलाई 2022 तक विभिन्न अवधि में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित जानकारी दी गई है। अतः 3 से 9 सितंबर 2021 तक, अभी जो 3 से 9 सितंबर 2021 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कृषि आधारित गतिविधियों एवं ग्रामीण हाट से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत स्तर पर करते हुए संलग्न कैलेंडर में उल्लेखित अन्य समस्त गतिविधियों का समयबद्ध आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, गतिविधियों के फोटोग्राफ, वीडियो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग एवं अन्य दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक गतिविधि के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित बैनर अनिवार्य रूप से लगाया जावे। मतलब दोस्तों, हमें बैनर जरूर बना के रखना है आजादी का अमृत महोत्सव, और हर गतिविधि जो भी हम कराते हैं जागरूकता के लिए, ये लिखा ही हुआ है, जैसे कृषि आधारित गतिविधियों की जागरूकता, ग्रामीण आर्ट संबंधित जागरूकता 3 से 9 सितंबर, जो भी गतिविधि कराते हैं तो उसके पीछे ये बैनर जरूर रहना चाहिए आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये आदेश दोस्तों आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा निकला जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों इसके बारे में डिटेल में आपको बनाकर वीडियो पोस्ट करते रहूंगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जो रही है, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।